हेलो टीम, कैसे हैं आप? क्या आप अपने मोबाइल को किसी भी इंसान को यूज़ करने के लिए दे देते हैं? जैसे कॉल करने के लिए किसी को दे दिया, किसी बच्चे को गेम खेलने के लिए दे दिया, या किसी को वीडियो देखने के लिए दे दिया। ठीक है, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन को तो सिक्योर करना ज़रूरी है। और सिक्योर करने के लिए आप जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो वो कोई भी सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए आज आपको मैं प्राइवेट चीज़ों को सिक्योर करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है उस पर आप लॉक कैसे लगाएं। लॉक लगाकर आप अपने मोबाइल में प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइएगा, मैं एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऐप लॉक। आज मैं आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो में ऐप लॉक की सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जो कि बेस्ड है कलर OS 7 और एंड्रॉयड 10 पर। आइएगा जानते हैं। आपको अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यहां पर प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप फाइंड आउट करेंगे और यहां पर प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्राइवेसी का एक अलग से कैटेगराइज ऑप्शन है। यहां पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ऐप लॉक। जैसे ही आप ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा आएगा सेट द प्राइवेसी पासवर्ड बिफोर यूजिंग ऐप लॉक। मैं यहां पर पासवर्ड सेट करता हूं। पासवर्ड सेट करते वक्त भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिएगा, सेंटर में एक लिखा हुआ है अदर इंक्रिप्शन मेथड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे पॉपअप आएगा जहाँ पर आप पैटर्न यूज कर सकते हैं, 4-डिजिट पासवर्ड यूज कर सकते हैं, 4-16-डिजिट पासवर्ड यूज कर सकते हैं, और यदि आप और भी ज्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड आप अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके नंबर भी होंगे और अल्फाबेट भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सा 4-डिजिट पासवर्ड यूज करना चाहूंगा, 1234। उसके बाद एक पॉपअप और आएगा, द पासवर्ड इज टू कॉमन, यूज इट एनी वे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा पासवर्ड यूज करें, या फिर आप देखते हैं कि 1234 एक कॉमन पासवर्ड होता है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कोई दूसरा पासवर्ड आप यूज करें, जो भी आपको पर्सनल पासवर्ड होता है, और ऐसा पासवर्ड यूज करें जिसे आप भूलते नहीं है। मैं चाहता हूँ 1234 ही यूज करूँ। उसके बाद आपको एक बार कंफर्मेशन और देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। चाहे तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, कस्टमाइज के ऑप्शन में आप अपना कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा चैनल नेम। चैनल नेम के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पर कोई भी 20 कैरेक्टर तक का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोबाइल सेटिंग ऑप्शन लिखा सेटिंग। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं जिससे आप अपने मोबाइल में यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे यू कैन आल्सो रिकवर सेट रिकवरी ईमेल आईडी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांगेगा, और यहाँ पर आप ईमेल आईडी सेट करके ईमेल आईडी के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको कोई पर्सनल अकाउंट है तो आप उसे भी साइन इन करके गूगल के थ्रू यहाँ पर अपने मोबाइल में रिकवर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैंने मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस आपके सामने आएंगी। इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट ऐप टू बी लॉक। कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिन्हें आप लॉक करना चाह रहे हैं? सारी एप्लीकेशन जितनी भी आपके मोबाइल में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, आपके सामने होंगी। और ये कुछ बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, जैसे मैं फोटो पर लगा लेता हूँ, मैसेज पर और फेसबुक पर, मैंने 3 एप्लीकेशन यहाँ पर लॉक किया। लेकिन आप जितना चाहें, जो भी आपकी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट हो या फिर आपकी थर्ड पार्टी हो, वो एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। मैंने 3 एप्लीकेशन को लॉक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉपअप ऑप्शन आ रहा है कि यूज ऑफ फिंगरप्रिंट इज रिकमेंडेड एज इट इज मोर सिक्योर एंड कन्वीनियंट। आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट आप यूज करें तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यूज के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद अब मैं बैक साइड आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने मैसेज के आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोटेक्शन मांगेगा, और प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का यहाँ पर एक UI बनाएगा। या तो मैं यहाँ से वेरीफाई करके अपना पासवर्ड 1234 एंटर कर सकता हूँ, तब मेरा मैसेज ओपन होगा, या फिर जैसे मैंने फिंगरप्रिंट यूज किया है तो मैं फिंगरप्रिंट को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने फोटो पर आइकन पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा फोटो भी ऑन हो गया है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके, यानी अपनी किसी भी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी पासवर्ड चेंज करना पड़ जाए तब आप कैसे करेंगे? आइएगा जानते हैं इसके बारे में भी, आप पासवर्ड कैसे चेंज करें। सेटिंग के ऑप्शन पर आप जाएंगे, आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाना है। वहां से
आप अपने मोबाइल में ऐप लॉक, और देखिएगा यहाँ पर मेंशन भी है कि आपने 3 ऐप लॉक की हुई हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे पासवर्ड देना पड़ रहा है, मैंने पासवर्ड दिया। उसके बाद यदि आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड को चेंज करना है तो यहाँ ऊपर रेड कॉर्नर में देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, आइकन बना हुआ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए हैं जिसमें अगर आप चाहते हैं अपने पासवर्ड को रीसेट करना तो आप सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हैं, रीसेट ऐप लॉक। मैं चाहता हूँ दोबारा से रीसेट करूँ तो रीसेट का ऑप्शन आएगा, कोई भी ऐप वहाँ पर नहीं रहेगी और सारी ऐप अनइंस्टॉल हो जाए, यानी कि सारी ऐप का जो पासवर्ड है वो हट गया है। अब आपको दोबारा से इस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। मैं दोबारा से इस प्रोसेस को यूज़ कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो लॉक पासवर्ड मैंने लगाया उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है चेंज प्राइवेसी पासवर्ड एंड सेटिंग। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मुझे सेम पासवर्ड दोबारा देना होगा और मैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑफ पासवर्ड या फिर चेंज पासवर्ड। आप टर्न ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करने के लिए ऑप्शन मैंने दिया 1234 मेरा पासवर्ड था, लेकिन अब मैं कोई दूसरा मेथड यूज करना चाहता हूँ, मैं पैटर्न मेथड यूज करना चाहता हूँ। पैटर्न मेथड मैंने ये यूज किया, उसको दोबारा से मैंने एक वेरीफाई किया और मेरा पैटर्न अब चेंज हो गया है। अब इसके अलावा मैं अगर मान लीजिएगा कि अपनी लॉक को अनलॉक करता हूँ, जो भी मेरी एप्लीकेशन है जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया था, अगर मैं उसे अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे से पैटर्न ऑप्शन मांगेगा, तभी वो अनलॉक होगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ऐप लॉक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है। आई होप ये सेटिंग आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।